अभी सब आएगा अभी धीरे धीरे। ओके देखो हाँ, सो काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ अब इसके, ठीक है। एसएचएम में जो ग्राफ बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी ग्राफ, एक्सीलरेशन ग्राफ, ये सब कैसे बनने वाले हैं ये अब हम डिस्कस करेंगे आज इसमें। तो ग्राफिकल स्टडी के पहले साइन और कॉस के जो ग्राफ हैं ये क्लियर है कि नहीं तुम लोगों को, साइन के ग्राफ कॉस के ग्राफ? चलो साइन के ग्राफ कॉस के ग्राफ ये क्लियर है या नहीं? और एक बार बता दो रिवाइज शॉर्ट में। अच्छा ठीक है, शॉर्ट में हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं फटाफट। देखो इनके ग्राफ्स को, ग्राफ कैसे बनेंगे, और मैं दोनों को साथ में बना रहा हूँ यहाँ पे, साइन और कॉस का ग्राफ है, साइन का भी और कॉस का भी। क्योंकि ये अब हमें इधर पे थीटा, इधर पे थीटा, किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं देख लो, तुम लोगों के लिए आसान है बनाने के लिए कैसे बनाते हैं ग्राफ वगैरह, है ना, ध्यान रखना। इसलिए मैं बने बनाए ग्राफ आपको डायरेक्ट नहीं दिखा रहा हूं। +1 -1, +1 और -1 के बीच में होता है साइन थीटा का ग्राफ, और अगेन +1 और -1 के बीच में कॉस थीटा का ग्राफ भी होता है, ठीक। इधर पे थीटा लिया हूं मैंने, ठीक। अब इंटरवल बना देते हैं हम, इंटरवल बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, फिर 5π/2, फिर 3π, फिर 7π/2, और एक और इंटरवल अगर हम यहाँ पे आगे तक बढ़ा दें तो पूरा 2 साइकिल के लिए कंप्लीट हो जाएगा। एंड इट इज नाउ 4π, ठीक है। नाउ साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है? साइन थीटा का ग्राफ बनता है ये, देखो फ्री हैंड ज्वाइन करना हमें, साइन 0 पे 0 वैल्यू होती है, फिर +1/2, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा, ठीक है। समझ गया ना साइन थीटा का ग्राफ, याद आया साइन थीटा का ग्राफ? अभी कॉस थीटा का ग्राफ कैसा बनेगा? साइन थीटा के बाद कॉस थीटा का ग्राफ आएगा, बिल्कुल आइडेंटिकल है, बस ये +1 से चालू होगा, ठीक है। ये साइन थीटा का, ये कॉस थीटा का, बराबर है। साइन थीटा का ग्राफ, ये कॉस थीटा का ग्राफ, ये समझ गए दोनों ग्राफ को, साइन और कॉस का? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? अब इसमें ये बताओ, अगर मुझे साइन थीटा को कॉस थीटा के ऊपर रखना है तो क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल आइडेंटिकल है ये दोनों ग्राफ, अगर साइन थीटा को कॉस थीटा को साइन के ऊपर रखना है या साइन थीटा को कॉस थीटा के ऊपर रखना, तो क्या करना पड़ेगा? किसको आगे पीछे खींचोगे बताओ, कौन से ग्राफ को आगे करोगे, किसको पीछे करोगे तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएंगे? अगर मुझे ये वाले ग्राफ को इसके ऊपर उठा के रखना है क्या करना पड़ेगा, या फिर इस ग्राफ को इसके ऊपर उठा के रखना क्या करना पड़ेगा बताओ जरा? अगर साइन थीटा को हमें कॉस थीटा के ऊपर रखना है तो क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा को पीछे खींचना पड़ेगा, लेफ्ट में कितने से खींचना पड़ेगा? इफ वी हैव टू सुपर इम्पोज साइन थीटा ऑन कॉस थीटा, देन
जो साइन थीटा का ग्राफ है इसको कितना पीछे खींचोगे? अगर हमें साइन थीटा को कॉस थीटा के ऊपर रखना है तो साइन थीटा को क्या करोगे? पीछे खींच दोगे। कितने से पीछे खींच दोगे भाई इसको? ये वाली लाइन को लोगे, इधर उठा के खींच दोगे। कितना खींचोगे पीछे? पाई बाई टू। आया ना, समझ गए रिस्पॉन्स? हाँ, कितने से खींचोगे? पाई बाई टू से, तो बिल्कुल कॉस के ऊपर आ जाएगा ना। देन साइन थीटा इज, देन साइन थीटा इज पुल्ड लेफ्ट बाय पाई बाई टू। मतलब एक वर्डिंग यहां पे निकल के आ रही है, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है बताओ जरा। साइन थीटा आगे चल रहा है कि कॉस थीटा आगे चल रहा है? कौन सा ग्राफ आगे चल रहा है, साइन थीटा या कॉस थीटा? कॉस थीटा। कॉस थीटा आगे चल रहा है, सो हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस थीटा लीड्स, कॉस थीटा लीड्स, कॉस थीटा लीड्स साइन थीटा बाय पाई बाई टू, एक टर्म। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं हम साइन थीटा लैग्स कॉस थीटा बाय पाई बाई टू। दोनों स्टेटमेंट लिख सकते हैं अपन कि कॉस थीटा आगे चल रहा है, लीड कर रहा है। कितने से लीड कर रहा है? पाई बाई टू से लीड कर रहा है। या फिर साइन थीटा लैग कर रहा है, लैग मतलब पीछे चलना, लीड मतलब आगे चलना। तो cos थीटा लीड sin थीटा बाय पाई बाई टू, या फिर sin थीटा लैग्स cos थीटा बाय पाई बाई टू। ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। कोई डाउट बेटा? बिल्कुल सीधा सीधा है यहाँ पे समझने का कि ये वाली जो कर्व है, ये वाली कर्व, इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना है तो इसको पकड़ के ऐसा लो और पीछे खींच लो। यहां से पाई बाई टू से पीछे खींचोगे बिल्कुल इसके ऊपर फिट बैठ जाएगा। मतलब साइन थीटा पीछे है, कॉस थीटा आगे, इसको पीछे खींचना पड़ रहा तब इसके ऊपर बैठ रहा फिट ये, है ना? समझ गए? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। अब तुम ऐसा भी इसको और ऐसा भी समझ सकते थे, ये तो हो गया साइन और कॉस के लिए। क्या ऐसा सोच सकते थे क्या, या तो पाई बाई टू से, और अगर इसको इसके ऊपर बिठालना था तो ये इसका जो जीरो है ये पहले ही आ गया था यहाँ पे। अगर हम इसको थोड़ा और पीछे तक ले लें, ये जो एंगल बनता यहाँ कहीं पे, ये पीछे, ये यहाँ पे माइनस पाई बाई टू आता, ये जैसे जीरो है तो इसके पहले कितना रहता है, ये माइनस पाई बाई टू और रहता है इधर पे पीछे में। तो ये इसका जो जीरो है ये पहले है और इसका जीरो बाद में आया है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं ऐसा, ठीक है ना? इसका जो कॉस थीटा का जो जीरो है ये पहले माइनस पाई बाई टू पे है। तो ये जो दो स्टेटमेंट लिखा हूं मैंने, ये क्लियर हो गए दोनों स्टेटमेंट कि कॉस थीटा लीड साइन थीटा बाय पाई बाई टू और साइन थीटा लैग्स कॉस थीटा बाय पाई बाई टू। क्लियर हो गया कि नहीं, कि डाउट है कुछ? क्लियर। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। Now this is page number 2. Page number 2. अब displacement with time के साथ में हम graph देखते हैं यहाँ पे particle के लिए। Particle मान लो ऐसा चंद perform कर रहा है, ठीक है, कोई particle मान लो ऐसा चंद कर रहा है और मैं यहाँ पे इसके ऐसा चंद को बना देता हूँ। एक छोटा सा कैलकुलेशन हम देख लेते हैं, फिर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं।
पार्टिकल को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगता है? पार्टिकल को SHM में मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक अगर जाना तो कितना टाइम लगेगा? जैसे मान लो ये मीन पोजीशन है, ये पार्टिकल t इक्वल्स टू जीरो पे अभी यहाँ पर है, दिस इज नाउ एट x इक्वल्स टू जीरो, इट इज x इक्वल्स टू a। पार्टिकल को बेटा यहां से लेकर यहां तक अगर जाना है तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम इंटरवल चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन भी आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन है। एंड t इक्वल्स टू जीरो पे, क्योंकि ये मीन पोजीशन पे, मतलब आपने ओरिजिन पे मीन पोजीशन लिया हुआ है, आपको मीन पोजीशन से एक तरफ एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगेगा? कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत आसान है कैलकुलेशन, सिंस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन विल बी गिवन बाय a sin ओमेगा t। यही आएगी ना डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, समझ गए क्यों आएगी? कल लिखते हमने a sin ओमेगा t, कब लिखते हैं? तो t इक्वल्स टू जीरो पे अगर पार्टिकल यहीं पे और एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो एनी टाइम t पे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, है ना? ये इस इक्वेशन से इसका डिस्प्लेसमेंट हम लिखते हैं। तो t इक्वल्स टू जीरो पे अगर मीन पोजीशन पे है, पॉजिटिव राइट साइड की तरफ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो भाई यहां तक का जो टाइम है, ये टाइम इंटरवल अगर हमें चाहिए, t इक्वल्स टू जीरो है तो यहाँ पे x की जगह पे मैं कितना पुट कर दूं? अगर ये यहाँ पे पहुंच रहा है नाउ एट x इक्वल्स टू a पर, so therefore x is time taken is small t हम कंसीडर कर लें, फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x is equals to a is equals to a sin omega t, a से a कैंसिल हो गया, इधर पे बचा 1 is equals to sin omega t। अब इसकी वैल्यू 1 कब होती है? 1 कब होती है? साइन की वैल्यू 1 कब मिलती है बताओ जरा। हेलो, साइन की वैल्यू 1 कब होती है? 90 डिग्री, है ना? बिल्कुल सही। और यहां से यहीं तक है, मतलब 90 डिग्री अकेला लेना है, मैं वापस लौटा के नहीं आना है, यहां से यहां तक जाना बस है। तो ये वैल्यू आएगी आपकी पाई बाई 2, और यहाँ पे ये किसकी इक्वल आएगा? ओमेगा टी के इक्वल, क्योंकि आपने इसको हटा दिया है यहाँ पे, ये जो पूरा टर्म है आपका, ये आप इसको समझ लो कि ये साइन थीटा कर रहा है। तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा टी, एंड सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, सो दिस इंप्लाइज दैट पाई बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा की जगह पे आप पुट कर दोगे 2 पाई बाई टी इनटू स्मॉल टी, पाई से पाई कट गया, तो टाइम टेकन विल बी टी बाई 4, ये निकल के आ गया। मतलब पार्टिकल को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम अकेले तक जाने में, यहां से यहां तक टी बाई 4 लगेगा, तो वापिस आने में कितना लगेगा? मोशन बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, ध्यान रखना, जाने और आने वाला, तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम वापिस आने में लगेगा। अगर आपको वापिस आने के लिए निकालना तो फिर कॉस का फंक्शन बना दो, यहां से चला वापिस यहीं पे कब आ जाएगा, कितनी देर में देख सकते हो? यहां से चला यहीं पे वापिस आया तो ये कितनी देर में आएगा? अगर ये हमें चाहिए, दिस इज x इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0, पार्टिकल अभी वेलोसिटी इधर है, दिस इज x इक्वल्स टू प्लस है, यहां से यहां तक जाए और वापिस आ जाए, कितनी देर लगेगी ये पूरी प्रोसेस में? तो फिर से इक्वेशन x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t रखोगे, वापिस यहीं पे आ रहा है, मतलब ये हो गया 0 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, a तो 0 होता नहीं है, तो 0 कब मिलेगी वाली वैल्यू? पाई पे इसकी वैल्यू 0 मिलेगी, मतलब ओमेगा t इज इक्वल टू पाई, सो पाई इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू होती 2 पाई बाई t इनटू स्मॉल t, पाई से पाई कट गया, t विल बी t बाई 2। तो यहां से जाना और वापिस आना t बाई 2, ये तो वैसे भी हमको पता था, ये आधा ऑसिलेशन है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट मैथमेटिकली भी हमने कैलकुलेट कर ली है। लेकिन एक चीज ये हो गई कि यहां से यहां तक जाना t बाई 4 टाइम लग रहा है,
और यहां से यहां तक जाना और वापिस आने में टी बाई टू लगता, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, आधा ऑसिलेशन बोलते हैं। एक बात क्लियर हो गई कि पार्टिकल को जितना टाइम यहां से यहां तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम यहां से इधर पे वापिस आने में लगेगा, समझ गए ना। जितना टाइम यहां से एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में लग रहा है, उतना ही टाइम एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक आने में लगता है। और फिर से वही रिपीट होगा दोनों साइड के लिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि नहीं, कि डाउट है कुछ? हेलो, क्लियर हो गया? डाउट है कुछ इस पे? हेलो, क्लियर हो गया? डाउट है कुछ? हेलो, क्लियर हो गया डाउट? कैपिटल टी टाइम इंटरवल का है। हाँ, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। कैपिटल टी इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। SHM का टाइम पीरियड है कैपिटल टी, ठीक है ना सर? हाँ बोलो। हाँ सर, वो जो ऊपर वाला टाइम है वो पूरा ऑसिलेशन का है कि आधे ऑसिलेशन का? ये टी बाई फोर वाला? हाँ सर। टी बाई फोर वाला सिर्फ कहां से कहां तक का, देख डायग्राम में बनाया हुआ था मैंने। टी बाई फोर सिर्फ कहां से कहां तक का था? टी इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू जीरो से एक्स इक्वल्स टू ए तक जाने का है, ठीक है। हाँ सर। और सर वो नीचे वाला? नीचे वाला देख डायग्राम कहां से कहां तक के लिए बना, नीचे वाले पे, नीचे वाले में कहां से कहां तक के लिए बना। ये पहला वाला डायग्राम, ये वाला हो गया आपका, तो आपने कैलकुलेशन कहां से कहां तक के लिए की है, यहां से सिर्फ यहां तक जाने के लिए। ये दूसरा वाला डायग्राम हो गया आपका, इस पे यहां से जाना और फिर वापिस आना मिला के दोनों, ठीक है भाई। यहाँ पे था तब भी ओरिजिन पे था, जीरो थी पोजीशन, फिर वापस लौट के आगे तब भी ओरिजिन है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये, तो एक्स की वैल्यू जीरो है, पुट कर दी, निकाल दिए, कितना टाइम आ गया, टी बाई टू आ गया, समझ गया सर। अपन पहले इक्वेशन को इनटू टू भी कर सकते थे ना सर, जो अपना टी इक्वल्स टू टी बाई फोर आया, उसको अगर इनटू टू किए तो तब भी आंसर आता है ना? अभी आता है, मतलब ये वही मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे अभी, कि जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है उतने टाइम यहाँ तक आने में लगता है। तो आगे अब आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना है कि यार कितना टाइम लगता, अब ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए सीधा सीधा, ठीक है, दिमाग में अब हमारे ये रहना चाहिए सीधा सीधा। आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे अपन ये कि कितना टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर वापस आने में, फिर इधर जाने में, फिर वापस आने में। हाँ, बीच की कोई पोजीशन के लिए निकालना, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है, तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। डन सर। Now this is page number 3. तो आगे से ये ध्यान रखो अभी कि SHM में ये कोई SHM हो रहा है, this is x equals to 0 पे ये mean position है, it is x equals to plus a and it is x equals to minus a, ठीक है। यहां से यहां तक जाने का टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा टी वन, कितनी देर में पहुंच जाता है, टी बाई फोर में, समझ गए टाइम इंटरवल, समझ गए यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, टी बाई फोर पार्टिकल, ठीक है, क्लियर हो गया। यहां पे मान लो पार्टिकल है, ये वी वेलोसिटी, यहां से यहां तक जाने में इतना लगेगा और वापिस आने में कितना लगेगा, फिर से यहां से इधर पे वापिस आएगा फिर कितना टाइम लगेगा, टी बाई फोर लगेगा, जितना जाने में उतना ही वापिस आने में, फिर इधर चलेगा ये लेफ्ट की तरफ, तो यहां से यहां तक के लिए कितना टाइम लग रहा है, डेल्टा टी टी थ्री, अगेन इट इज टी बाई फोर, और फिर यहां तक वापिस आ गया डेल्टा टी फोर, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आएगी, टी बाई फोर आएगी। तो अगर अपन इसको घड़ी चालू करके करते हैं, है ना, हमने क्लॉक स्टार्ट कर दिया, यहां से जब ये पार्टिकल स्टार्ट हुआ घड़ी हमने चालू किए, तो ये अगर t इक्वल्स टू जीरो है तो ये यहां पर कब आएगा, घड़ी क्या शो करेगी, t बाई फोर शो करेगी, सॉरी
इट इज नॉट टी बाई टू, आपकी जो क्लॉक है वो टी बाई फोर शो करेगी, फिर और टी बाई फोर और एड हो गया, तो अब घड़ी कितना शो करेगी, टी बाई टू, टी बाई फोर प्लस टी बाई फोर, इट इज टी बाई टू, फिर यहां से और घड़ी आपके और इतना टाइम ऐड करेगी टी बाई फोर, तो कितना शो करेगी, थ्री टी बाई फोर शो करेगी, फिर यहां से और ये इतना ऐड हो जाएगा, तो अब आपकी क्लॉक क्या शो करेगी, यहाँ पे एक टाइम पीरियड शो करेगी, समझ गए। तो अगर आपने घड़ी स्टार्ट किया यहाँ पे, यहाँ पर आपने घड़ी को स्टार्ट किया t इक्वल टू जीरो पे, तो आपकी जो क्लॉक है यहाँ पे कितना टाइम शो करेगी, टी बाई फोर शो करेगी, फिर यहाँ पे कितना टाइम शो करेगी, टी बाई टू शो करेगी, फिर यहाँ पे कितना टाइम शो करेगी, थ्री टी बाई फोर शो करेगी, फिर यहाँ पे कितना शो करेगी, टी शो करेगी, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। जैसे आपने एक क्लॉक लगा दिया t इक्वल टू जीरो, दिस इज एनी क्लॉक, यहाँ से जब ये यहाँ पे पहुंचा तो आपकी जो घड़ी है ये कितना टाइम शो कर रही, दिस इज द क्लॉक, ये आप समझ लो, ये क्लॉक को मैं चार पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ऐसा जीरो, टी बाई फोर, टी बाई टू और थ्री टी बाई फोर, ठीक है, ये क्लॉक है यहाँ पे ऐसे। तो अभी ये क्लॉक का कांटा जीरो पे है और अभी ये कांटा यहां से यहां पे आ गया, फिर यहां पर जो कांटा आएगा वो कहां पे आ जाएगा, टी बाई टू पे आ जाएगा, फिर ये कांटा कहां पे आएगा क्लॉक का, थ्री टी बाई फोर पे आ जाएगा, फिर ये यहां पे वापिस यहीं पे आ जाएगा, समझ गए कि नहीं, हेलो, अरे समझ गए, yes, कोई डाउट इस पे, कोई डाउट इस पे, कहां पर घड़ी, ऐसा घड़ी क्या बताती है, स्टॉप वॉच टाइम इंटरवल बताती है, और हमारी जो नॉर्मल घड़ी होती है वो ऐसा थोड़ी कि यहां तक का टी बाई फोर फिर रुकेगी, फिर टी बाई फोर बताएगी, फिर रुकेगी, फिर टी बाई फोर बताएगी, वो तो स्टॉप क्लॉक का काम है, ये जो इंटरवल लिखे वो स्टॉप क्लॉक से, और ये जो लिख रहा है हम टी बाई फोर, फिर टी बाई टू, फिर थ्री टी बाई फोर और फिर ये टी, ये कौन सी घड़ी, हमारी नॉर्मल वाली घड़ी, ठीक है, जो टाइम के साथ बढ़ते जा रही है, और ये जो इंटरवल लिखे हमने ये किससे मेजर किए, हमने इंटरवल स्टॉप क्लॉक से मेजर किए, अभी समझा कुणाल, समझ गए पक्का, ये इंटरवल है, ये स्टॉप क्लॉक है, इंटरवल मतलब जैसे मान लो मेरे पास में ये मोबाइल की जो स्टॉप क्लॉक होती है हमारी, हम स्टॉप क्लॉक को चालू कर देंगे, ठीक है, लुक एट हियर, ये ठीक है, जैसे ये स्टॉप क्लॉक है, दिख रही होगी अभी जीरो जीरो, बराबर है, हमने जैसे यहां पे चालू किया, यहां पे पहुंचा, रोक दिए हमने, ठीक है, फिर रोकने के बाद फिर यहां से जब पार्टिकल इधर आ रहा फिर रोक दिए, तो ये जो मेजर किया हमने ये टी बाई फोर, फिर यहां तक का टी बाई फोर, और ये जो घड़ी दिखा रही है ये स्टॉप क्लॉक नहीं, ये कौन सी वाली क्लॉक है, आपकी नॉर्मल वाली क्लॉक है, सादी क्लॉक, आपने इसको चालू कर दिया यहाँ पे t इक्वल टू जीरो पे, यहाँ पे पहुंचे तो उसकी रीडिंग कितने पे आई, t बाई फोर पे, फिर यहाँ पे जब पहुंचा पार्टिकल मतलब यहाँ से फिर वापिस लौट के यहाँ पे जब पहुंचा तो घड़ी की रीडिंग क्या दिख रही, टी बाई टू दिख रही, फिर यहाँ पे पहुंचा तो घड़ी की रीडिंग क्या दिख रही आपकी, थ्री टी बाई फोर दिख रही, अभी समझ गए, फिर यहाँ पे पहुंच गया तो घड़ी की रीडिंग कितनी आ गई, टी पे आ गई, समझ गए कि नहीं, समझ गए ना, इट इज टी बाई फोर, इट इज टी बाई थ्री टी बाई फोर, ठीक है, ये तो ये टाइम इंटरवल और ये जो हम टोटल टाइम देख रहे हैं, मतलब सीधा सीधा आप देखो x इक्वल टू जीरो पे t इक्वल टू जीरो है, x इक्वल टू जीरो से प्लस a तक कितना टाइम आएगा, t बाई फोर, फिर a से x इक्वल टू जीरो तक फिर से t बाई फोर, फिर x इक्वल टू जीरो से माइनस a तक फिर से t बाई फोर, और माइनस ए से जीरो तक फिर से टी बाई फोर, तो ये इंटरवल है यहाँ पे, दीस आर द टाइम इंटरवल, और टोटल टाइम अगर आप देखोगे ये टाइम इंटरवल है, टोटल टाइम अगर देखोगे तो ये हो जाएगा यहाँ तक टी बाई फोर, ये हो गया टी बाई टू, ये हो गया थ्री टी बाई फोर, और ये सबसे लास्ट में कितना हो गया, टी हो गया,
अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, हाँ सर समझ गए पक्का। ये टाइम है और ये टाइम इंटरवल, एक टोटल टाइम और एक टाइम इंटरवल है। तो ये जो लिखा मैंने यहाँ पे जीरो, ये टी बाई फोर, यहाँ का इंटरवल भी उतना ही और टोटल टाइम भी उतना ही, लेकिन यहाँ से यहाँ का इंटरवल टी बाई फोर है। हाँ, आप ये भी बोल सकते हो कि यहां से यहां तक का इंटरवल भी टी बाई टू है और टोटल टाइम भी टी बाई टू है, आप ऐसा काउंट कर लो। तो अगर आप काउंटिंग यहां से कर रहे हो तो ये इंटरवल टी बाई फोर है, यहां से देख रहे हो तो ये इंटरवल टी बाई टू भी और टोटल टाइम भी यही है, यहां से आप देख रहे हो तो यहां से जाने का और ये टाइम इंटरवल भी थ्री टी बाई फोर है और टोटल टाइम भी यही, लेकिन यहां से यहां तक देख रहे हो तो ये टी बाई फोर। अभी समझा? हेलो, अरे समझ गया या नहीं, जल्दी बताओ भाई। तो समझ गया पक्का ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन फिर से। पक्का समझ गए? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, मिटा रहा हूं मैं, ले लिए? ले लिए क्या? Yes, sir. This is page number 4. देखो पेज नंबर 4 पे मान लो ये पार्टिकल यहां पे ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, दिस इज एक्स इक्वल्स टू 0, ये है मीन पोजीशन, ये प्लस ए और माइनस ए, ठीक है। पार्टिकल इन दो पोजीशन के बीच में ऑसिलेशन कर रहा है यहां पे, ये एक्स एक्सिस आप समझ लो, दिस इज एक्स एक्सिस। अभी मैंने ये लिया टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहां पे है, यहां पे कब जाएगा? टी इक्वल्स टू टी बाई फोर पे, फिर यहां पे कब जाएगा? टी इक्वल्स टू टी बाई टू पे, ठीक है। फिर ये यहां पे कब रहेगा? t इक्वल्स टू थ्री टी बाई फोर पे, और ये वापिस आ गया यहाँ पे, एक टाइम पीरियड हो गया कंप्लीट आपका। तो यहां से पार्टिकल ऐसा नहीं चल रहा, ये मैंने जो लाइन बनाया है ना ये सिर्फ समझने के लिए बनाया है यहाँ पे, समझने का मतलब समझ गए, यहां से पार्टिकल यहां तक गया t बाई फोर, फिर वापिस आया t बाई फोर, लेकिन टोटल टाइम कितना हो गया? t बाई टू। फिर यहां पे देखोगे तो थ्री टी बाई फोर है ना, आप इसमें टी वन टी टू ऐसा कर सकते हो, टी इक्वल्स टू जीरो, टी वन पे यहाँ पे, टी टू पे यहाँ पे, टी थ्री पे यहाँ पे, और इसको आप देख सकते हो दिस इज इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू टी, दिस इज टी फोर, टी फोर पे वापिस यहाँ पे। तो यहां से चला पार्टिकल एस एच एम में, यहां से चला टी इक्वल्स टू जीरो पे, यहाँ पे पहुंच गया टी बाई फोर पे, फिर वापस लौटा, घड़ी में देखे हमने टी बाई टू टाइम हो गया, फिर यहां तक पहुंचा, घड़ी में देखे टाइम थ्री टी बाई फोर हो गया, फिर वापस यहां पे आ गया, कितना टाइम दिख रहा घड़ी पे? टी टाइम आपको दिख रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल यहां पर है, ये इसकी वेलोसिटी, बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भाई यहां पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, यहां पे जीरो, तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, यहां से यहां तक जाने में टाइम टी बाई फोर लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा पार्टिकल यहाँ पे या इस साइड पे जाएगा, वेलोसिटी कम होते जाएगी, जीरो होगी, फिर नीचे आएगा, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जिस पोजीशन पे जो वेलोसिटी थी जाते टाइम, उस पोजीशन पे वही वेलोसिटी रहेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे रहेगी, तो मोशन बिल्कुल आइडेंटिकल चलेगा लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होते जाएगा। तो एक टाइम पीरियड में यहां से जाना, फिर वापिस आना, फिर जाना, ये इस तरह से होता है, ठीक है। अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट कर दें तो ये ग्राफ आपको कैसा दिखेगा, ठीक है। इधर पे मैंने ले लिया टाइम,
और ये देख सकते हो ये प्लस ए एंड इट इज हियर माइनस ए. ठीक है, प्लस ए एंड माइनस ए. और यहां पे इंटरवल फिट कर दूं मैं. ये हो गया टी बाई फोर, ये हो गया टी बाई टू, थ्री टी बाई फोर और टी. चलो पोजीशन देखते हैं, है ना. ये एक्स एक्सिस है और ये टाइम है. अगर हम ग्राफ देखते हैं, टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहां पे दिख रहा है आपको, एक्स इक्वल टू जीरो पे दिख रहा है. तो ये एक्स इक्वल टू जीरो पे एक कोऑर्डिनेट हमने ये ले लिए. फिर टी बाई फोर पे पार्टिकल कहां पे दिख रहा है, एक्स की वैल्यू प्लस ये है और टी की वैल्यू ये है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट ये आ गया. फिर टी टू पे कहां पे दिख रहा, वापस जीरो पे दिख रहा, मतलब यहां पे आ गया ओरिजिन. फिर थ्री टी बाई फोर पे कहां पे आ गया, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे ये वाली पोजीशन आ गई. और टी पे फिर से वापस यहाँ पे आ गई, ये पोजीशन आ गई. तो अगर हम इसको फ्री हैंड ज्वाइन करें, हम इसको फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं, ये ऐसा ये ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको, किस टाइप का दिख रहा है ये ग्राफ बताओ जरा, कैसा ग्राफ दिख रहा है ये फ्री हैंड अगर हमने ज्वाइन किए तो, ये ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको? साइन हाँ साइन के हिसाब का दिख रहा है. कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन. इट इज लुकिंग लाइक साइन थीटा, बट यहां पे प्लस ए तक गया, मतलब ए लेना पड़ेगा. मतलब एक्स एक्सिस में आपने साइन थीटा लिया और y एक्सिस में आपने t लिया, बट t अकेले से काम नहीं चल रहा है यहाँ पे. ये साइन थीटा है, देखा ऐसा है, लेकिन अगर ये थीटा रहता तो ये t की जगह पे यहाँ पे 2 पाई होता, यहाँ पे पाई होता, यहाँ पर ये पाई बाई 2 होता और ये 3 पाई बाई 2 होता. अगर हम साइन थीटा ले रहे हैं तो पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई आता. अब मुझे ये बताओ, अगर ये पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो यहाँ पे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, यहाँ कहीं पे एनी टाइम टी पे पार्टिकल मान लो है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होती है. हाँ या ना में जवाब देना. ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है एनी टाइम टी पे. क्लियर हो गया कि नहीं? ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है. पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, यहां से मीन पोजीशन से x इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या लिखते हैं अपन, a साइन ओमेगा t लिखते हैं कि नहीं लिखते? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर. तो ये और ये x एक्सिस है, इसका मतलब ये a sin थीटा नहीं, ये वाला ग्राफ किसका है आपका, a sin थीटा में रहता है π/2 π 3π/2 2π. तो फिर इधर पे आपका जो ये वाला एक्सिस है ये थीटा का रहता है यहाँ पे, और ये कब आता है, ये 2π के लिए रहता है. ठीक है, लेकिन ये ग्राफ किसका है, दिस इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t का ग्राफ है. तो ये ग्राफ एक्चुअल में बेटा t वर्सेस a sin ओमेगा t का ग्राफ है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है. दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ टाइम. टाइम के साथ में उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, देख पार्टिकल प्लस a के बाहर नहीं जा सकता, माइनस a के बाहर नहीं जा सकता, पार्टिकल यहीं पे ऑसिलेट हो रहा है. लेकिन आपको ग्राफ ऐसा क्यों दिख रहा है, ये इधर आगे बढ़ता हुआ क्यों दिख रहा है, बता सकते हो क्या? x की वैल्यू प्लस a और माइनस a के बीच में झूल रही है ना, लेकिन t आगे बढ़ता जा रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा बता सकते हो कोई? x की वैल्यू प्लस a और माइनस a के बीच में चल रही ना,
लेकिन टी तो बढ़ते जा रहा है, बताओगे क्यों? सर वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है इस वजह से। टी क्यों बढ़ते जा रहा है जबकि पोजीशन नहीं बदल रही ना, पोजीशन तो सिर्फ प्लस ए और माइनस ए के बीच में ही है। टी तो बढ़ते जा रहा है, ये तो एक टाइम पीरियड के लिए, अगले टाइम पीरियड के लिए और आगे बढ़ जाएगा, बिल्कुल आइडेंटिकल आ जाएगा, ऐसा का ऐसा ही बिल्कुल, है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई टाइम रुकता है क्या कभी? टाइम रुकता है क्या? नहीं ना, टाइम तो चलते रहता है ना, टाइम रुकने वाली क्वांटिटी है क्या? टाइम रुक सकता है क्या? नो सर। टाइम चलने वाली क्वांटिटी है। तो टाइम के साथ में आपको जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है वो इस तरह से दिखेगा, ठीक है? क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट इस पे? इसको सिकोड़ दे पूरा ऐसा लाइन को, ये पूरी लाइन को सिकोड़ दोगे बस यहीं पे बस दिखेगा। तो मान लो टाइम के साथ में हम ग्राफ नहीं बनाते, सिर्फ एक्स का ग्राफ रहता है, सिर्फ एक्स, अब बिना उसके तो बनता ही नहीं है, तो ये बस यहीं यहीं पे होता है सर। तो एक एक्सिस में आपने टाइम ले लिए तो ये ऑसिलेट ऐसे ही हो रहा है लेकिन टाइम ऐसे चल रहा है, इसलिए टाइम के साथ में आपको ग्राफ ऐसा दिखता है, ठीक है? क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ? क्लियर हो गया डाउट है कुछ? जल्दी बोलो। हेलो, क्लियर है? ओके। अगर मान लो हम, तो एक और टर्म यहाँ पे निकल के आ गया, चला बताओ टी किसके इक्वल है? ये जो थीटा हम लिख रहे थे, थीटा किसके इक्वल लिख रहा है यहाँ पे देख लो, वैसे ये ग्राफ से भी समझ में आ रहा है ये थीटा किसके इक्वल है। दिस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई बाई टी इनटू स्मॉल टी। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, और ओमेगा किसके इक्वल होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? 2 पाई बाई टी के इक्वल होती है इनटू स्मॉल टी, स्मॉल टी यहाँ पे टाइम है। अब आगे से ध्यान रखना, एक ऑसिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो टी किसके इक्विवेलेंट है? दिस टी इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई, है ना? और t by 2 किसकी इक्विवेलेंट है यहाँ पे? पाई के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है बेटा। थीटा रेडियन में, t सेकंड में, डायमेंशन सेम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल नहीं बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो t इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई। t किसके इक्विवेलेंट है? इक्वल नहीं लिखा हूं मैंने, t किसके इक्विवेलेंट है? 2 पाई के इक्विवेलेंट है। Remember, t is equivalent to 2 pi. और फिर अब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन ने देख लिया यहाँ पे, मैं सीधे इस तरह से बना देता तो आपको समझने में भी तकलीफ होती, और ये t equals to 2 pi क्यों लिखे हैं ये भी दिक्कत होती। अभी क्लियर हो गया? t किसके इक्विवेलेंट है? 2 pi के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना? क्लियर कि नहीं? हेलो, अरे भाई क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया बेटा? रिपीट कर दूं? अरे मैंने ये बोला थीटा किसकी इक्वल है यहाँ पे, देखो जरा कंपेयर कर लो दोनों को, थीटा किसकी इक्वल है? ओमेगा टी, ये समझ गए अंशु? टी वाला, ठीक है। अरे ये ग्राफ से देखना, अगर हम टाइम के साथ चल रहे हैं तो टी लेना पड़ेगा, अगर एंगल के साथ में चल रहा है तो हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 2 पाई लेना पड़ेगा। अगर हम साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट करते तो ये वाले कोऑर्डिनेट लिखते थीटा के, और अगर हम टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ये वाले कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर आ रहा है कि थीटा और टी इक्विवेलेंट है, टी किसके इक्विवेलेंट है यहाँ पे? 2 पाई के इक्विवेलेंट है। तो दैट इज नॉट इक्वल्स टू, टी इज इक्वी वैलेंट टू 2 पाई, इक्वल नहीं, टी इज नॉट इक्वल टू 2 पाई, ध्यान देना दोनों में फर्क होता है। टी इज नॉट इक्वल टू 2 पाई, टी इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई, ठीक है? क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, समझ गया? हाँ, टी इज नॉट इक्वल टू 2 पाई, टी इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई, और ये यहां से आ रहा है, देख थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इनटू टी,
तो जब टी और ये कैपिटल टी की वैल्यू सेम होंगे, मान लो ये जो स्मॉल टी है ये एक टाइम पीरियड के बराबर होगा और ये टी कट जाएगा, तब थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 पाई के इक्वल रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट अभी अंशु है क्या? अरे भाई कुछ तो बोलो, समझ रहे हो कि नहीं, पढ़ा रहे हो समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ठीक है, अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। इस ग्राफ को अगर मैं मॉडिफाई कर दूं यहाँ पे, मॉडिफिकेशन मतलब नहीं हम भाई यहां से नहीं काउंट करते, p इक्वल्स टू जीरो पे हम डिस्प्लेसमेंट यहां से ले लेते हैं, मान लो t इक्वल्स टू जीरो पे यहां पे पार्टिकल है t इक्वल्स टू जीरो पे, तो डेफिनेट सी बात है एनी टाइम t पे ये इधर जाएगा और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो ये रहेगी x। तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा इसको, पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में t इक्वल्स टू जीरो से ये लगेगा t बाई फोर, फिर हो गया t बाई टू, फिर हो गया 3t बाई फोर और एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, मतलब वापिस t पे यहां पे जाएगा। ठीक है, हाँ, अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन किसकी है ये वाली, अगर यहां से आप स्टार्ट ले रहे t इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल यहां पे है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कौन सी, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, हाँ या ना? हाँ, ये वाले ग्राफ में भी कुछ चेंजेस आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे वाले ग्राफ में देख सकते हो अभी, देखो हाँ अभी इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, देख t equals to zero पे एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब ये स्टार्ट कहां से ले रहा है, अभी t equals to zero पे पार्टिकल यहां पे, फिर t by 4 पे कहां पे आ गया, ओरिजिन पे आ गया यहां पे, ये ओरिजिन है, दिस इज x equals to zero यहां पे आ गया, फिर t by 2 पे यहां पे दिख रहा है आपको, फिर 3t by 4 पे फिर 0 पे दिख रहा है, और फिर t पे कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। अब इस ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं, प्लॉट करेंगे, फ्री हैंड स्केचिंग करना है, ऐसे नहीं करना, फ्री हैंड स्केचिंग करना है, ये ऐसे, ठीक है, फ्री हैंड स्केचिंग करना है इसकी, समझ गए? हेलो, समझ गए? ये ग्राफ किसका ग्राफ है, ये बताओ जरा, ये किसका ग्राफ है, ये साइन का या कॉस का? कॉस ओमेगा टी, हाँ ये कॉस का ग्राफ है ना, दिस इज ए कॉस थीटा, अगर थीटा वाले कोऑर्डिनेट लिखोगे ये वाला चलेगा, और ये वाला भी है भाई एक्स एक्सिस में, ये या तो ए कॉस ओमेगा टी, बाकी सब कुछ वही है। तो ये क्लियरिटी आ गई पूरा अभी की नहीं ग्राफ में, कैसे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम, पेज नंबर 5 है, ग्राफ प्लॉटिंग में क्लियरिटी आ गई या नहीं, समझ गए क्यों ग्राफ ऐसे बन रहे थे? मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि भाई ए कॉस ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा बनेगा, साइन ओमेगा टी का ऐसा बनेगा सीधा सीधा, बट मैंने ये पूरा आपको स्केच करके बताया कि कैसे हो रहा है यहाँ पे, है ना, बिल्कुल जीरो से हमने समझा कि कैसे हो रहा है, ग्राफ क्यों बन रहा है, ऐसे इक्वेशन क्या है। कोई डाउट अभी किसी को? हेलो, किसी को कोई डाउट है क्या?
अरे बताओ जल्दी से, आगे बढ़ेंगे अपन, फटाफट बताओ। नो सर। पक्का? स्क्रीनशॉट लो, हाँ स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अब इस पेज पे हमारा काम आसान हो गया अभी आगे के ग्राफ प्लॉटिंग के लिए। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। हेलो। हाँ दिस इज पेज नंबर 6 अभी ना, पेज नंबर 6 पे देखो अभी इस पे इसपे आएगा केस 1। बट ये करने के पहले मुझे थोड़ा डिफरेंशिएशन के फार्मूले बताने पड़ेंगे, तुम लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हो फार्मूले में डिफरेंशिएशन के। इसको लिख लो तुम लोग साइड पे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स है मान लो, तो इसका डेरिवेटिव होगा कॉस बी एक्स इंटू बी, मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हो बी कॉस बी एक्स। ठीक है, या कुछ और मान लो, बी नहीं मानना, सी मान लो, डी मान लो, लैम्डा मान लो, ओमेगा मान लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, कुछ और भी मान सकते हो आप। ठीक है, जो कोफिशियंट है ये बाहर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ, ये नोट कर लो तुम लोग अभी, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ बी एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन बी एक्स इंटू बी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी साइन बी एक्स। चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो फट से, क्योंकि मैं पेज नंबर नहीं चेंज करूंगा, ये फार्मूला हमारे लिए काम के आगे। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो या लिख लो जल्दी। ठीक है, देखते हैं, ले लिए क्या, आगे बढ़ता हूं मैं, ले लिए। यस सर। पेज हमारा ये केस 1। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये है, दिस इज केस 1, ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये समझ गए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी का लिखते हैं अपन, जब पार्टिकल t इक्वल्स टू जीरो पे कहां से चालू करता है, मीन पोजीशन से, और पॉजिटिव x डायरेक्शन पे जाता है, मीन पोजीशन हमने ओरिजिन पे माना है, तब के लिए हम ये इक्वेशन लिखते हैं। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आएगी, इट इज डी एक्स अपॉन डी टी, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, डायरेक्ट बता सकते हो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव। देख ए तो बाहर है ही, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और एक बार और ओमेगा बाहर, तो इट इज ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, इट इज द वेलोसिटी की इक्वेशन। एंड एक्सीलरेशन की इक्वेशन कैसे आएगी, एक्सीलरेशन की इक्वेशन ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो फिर से वेलोसिटी को, तो d अपॉन डी टी ऑफ ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, कॉस का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस इज द एक्सीलरेशन। क्लियर हो गया कि नहीं, डाउट है कुछ बोलो जल्दी से, क्लियर हो गया नहीं, ये समझ गए कि नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन x इक्वल टू a साइन ओमेगा t है, तो उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी की इक्वेशन ये, इसके करस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन की इक्वेशन ये। हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इनका, मैं सभी ग्राफ को अब यहां पर एक साथ प्लॉट करने वाला हूं।
ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी का ग्राफ देखो किसके बीच में बनेगा, प्लस ओमेगा ए माइनस ओमेगा ए, और एक्सीलरेशन का ग्राफ किसके बीच में बनेगा, ओमेगा स्क्वायर ए और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। एंड यहां पे फिर T by 4, T by 2, T by 4, T, 5T by 4, T T by 2, T1T by 4 और ग्रुप T। देखो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ए साइन ओमेगा टी है, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ साइन का फंक्शन है, ये ऐसा बन जाएगा। ये एक टाइम, दो टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड यहां तक हो गया, दूसरा टाइम पीरियड यहां तक। फिर वेलोसिटी का ग्राफ देखो, वेलोसिटी का ग्राफ किसका फंक्शन है, कॉस का, तो कॉस का फंक्शन का ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा, यहां से चालू होगा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, देखो कैसा बनेगा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ये है साइन का फंक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट का पूरा अपोजिट आएगा, जो एक्स का ग्राफ है इसका बिल्कुल अपोजिट बनेगा, ठीक है। इफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्सीलरेशन का जो ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट अपोजिट बनेगा, मतलब जो ये वाला है इसका अपोजिट आ जाएगा यहाँ पे, ये ऐसा आ गया। समझ गया बेटा ग्राफ ये, हेलो ग्राफ समझ गया कि नहीं, कि डाउट है कुछ, हेलो ग्राफ समझ गया या नहीं, कि डाउट है कुछ, बोलो जल्दी से। ग्राफ समझ गया सर। हाँ अभी, हाँ अभी इसमें बताओ कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, एक्स और वी में कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, अगर हम ये लिखें यहाँ पर वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्स और वी में अगर देखोगे, वी लीड्स एक्स बाय पाई बाय टू, पाई बाय टू मतलब और टी बाय फोर है ना, दूसरा एक्स और ए के बीच में बताओ एक्स और ए में कौन आगे चलता है, ये वाले ग्राफ को तुमको इतना पीछे खींचना पड़ेगा यहां से तब इसके बराबर आएगा, तो एक्स लीड्स ए बाय पाई और पी बाय टू, एंड तीसरा अगर हम देखें भी और इसके बीच में, भी और ए के बीच में कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, भी और ए के बीच में, भी और ए के बीच में कौन आगे चल रहा है, ये वाले ग्राफ को मैं पीछे खींच दूं तो इसके बराबर आ जाएगा है ना, इसको थोड़ा सा पीछे कर दें अपन, ये इसको पीछे करोगे ना, हाँ या ना, अरे इसको पीछे करोगे ना, यस सर, कितना आएगा, या फिर इसको इसके ऊपर बैठाना फिर, तो इसको कितना पीछे करना पड़ेगा यहाँ पे, से पीछे करना पड़ेगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि a, सॉरी v leads a by 3t by 4, है ना, 3t by 4 से ये लीड करता है, क्लियर हो गया कि नहीं, 3t by 4 मतलब 3 by 2, ठीक है, समझ गए कि डाउट है कुछ, कोई डाउट तो नहीं है, हेलो, अरे कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या इस पे, अंशु बोलो, है बेटा अंशु, ठीक है स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं,
पेज नंबर 7 पे आते स्क्रीनशॉट ले लो सर, वो लीड्स वाला और एक बार बताना ना। देख ये वाले और ये वाले ग्राफ में, ये वाले ग्राफ को इसके जैसा बनाना है तो इसको पीछे खींचना पड़ेगा। कितने से पीछे खींचोगे इसको? इतना फोर से, हाँ टी बाई फोर से, इसलिए टी बाई फोर लिख दिए। एक्स और ए में इसको पीछे इतना पीछे खींचना पड़ेगा तब इसके ऊपर फिट बैठेगा। तो ए पीछे चल रहा है तो एक्स लीड्स ए बाय टी बाई टू और फाइव, ठीक है? हाँ सर। एक्स और ए में, और वी और ए में वी सामने से, ये इतना इसको एक्सीलरेशन को इतना पूरा खींचना पड़ेगा। 3t/4 से इधर खींचोगे तब इसके इस पे फिट बैठेगा ये, ठीक है? हाँ सर। अभी समझ गया? हाँ सर। ओके स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, एक और बता रहे हैं सर। हाँ बोलो सर। एक व्यू से देखा जाए तो एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट से आगे, क्योंकि एक्सीलरेशन का अगर जीरो वाला जो नहीं, एक्चुअल में आप इस प्रीवियस कंडीशन को नहीं लेते हैं कि भाई इसके पहले हमने घड़ी को तो यहां से स्टार्ट किया है एक्चुअल में, तो जहां से स्टार्ट करते हैं उसके पहले को एज्यूम नहीं करते हैं, तो ऐसा ठीक है, समझ गए मानसी? और सर एक्सीलरेशन जहां से चालू हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के टी बाय टू पे रखा तो फिर वो तो एक्सीलरेशन आगे हो रहा है ना? हाँ, अगर मान लो हमको इसको यहाँ पे रखना तो इसको क्या करना पड़ेगा, तुमको इधर खींचना पड़ेगा ना, ऐसा इधर से एक्सीलरेशन आगे होगा फिर क्या? सर फिर एक्सीलरेशन आगे होगा ना? नहीं आगे क्यों हुआ, जब ये चालू हो गया तब ये चालू नहीं हुआ एक प्रकार से मानो ना। ये अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट मानते तो ये तो यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा ना फिर। अच्छा हाँ सर, ठीक है आप ऐसा सोचो ना, ठीक है मानसी? यस सर, थैंक यू सर। ओके, और कोई डाउट किसी को? सर फिर एक्सेलरेशन स्लो है क्या डिस्प्लेसमेंट पे? क्या सर फिर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से स्लो है? मैं समझा नहीं क्या बोल रहा है, हेलो दोबारा बोल, पूछना जल्दी से। सर डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से स्लो है क्या? स्लो नहीं, वो सिर्फ इसके लिए पीछे और आगे के लिए, स्लो नहीं है सर। ग्राफ बिल्कुल आइडेंटिकल है, मतलब बाद में चालू है ऐसा समझ ले। जैसे दो दोस्त हैं, घर बिल्कुल पास पास में, एक आधे घंटे पहले स्कूल के लिए निकल गया और बिल्कुल वैसे ही स्पीड से आ रहा है उसका दोस्त, आधे घंटे बाद में जाता है, स्लो नहीं, ठीक है? लेट चालू हुआ। लेट चालू है ऐसा समझ ले सर। हाँ सर, यहाँ पे ओमेगा ओमेगा ए और माइनस ओमेगा ए लिमिट्स कैसे लिए अपने? ये इसलिए लिमिट लिए, देख डिस्प्लेसमेंट की लिमिट कहाँ तक जा रही है, प्लस ए और माइनस ए तक, बराबर है? यस सर। वेलोसिटी की कहाँ तक जाएगी लिमिट, प्लस ओमेगा ए और माइनस ओमेगा ए तक? समझ गए सर, समझ गया। और एक्सीलरेशन की लिमिट कहाँ तक जाएगी, ओमेगा स्क्वायर ए और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए तक, ठीक है? हाँ सर। स्क्रीन शॉट पे जल्दी से, अभी हो गया क्या? हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं इसको, ये केस टू हम स्टडी कर ले रहे हैं यहाँ पे, दिस इज पेज नंबर 7, सब कुछ यही चलेगा। इट इज ए कॉस ओमेगा टी, डिफ्रेंशिएट कर दो तो इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा, अब कॉस का डेरिवेटिव ए विथ माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे आप, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू डीवी अपॉन डीटी, डी अपॉन डीटी ऑफ माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, so this comes out to be minus omega square a cos omega t, ठीक है? चलो ग्राफ देखते हैं, अभी ग्राफ में, अब ये ग्राफ कैसा बनेगा जरा डिस्प्लेसमेंट का बताओ। अब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कहां से स्टार्ट हो जाएगा? ये cos का फंक्शन आ गया, ठीक है? अरे समझ गए कि नहीं?
वेलोसिटी की ग्राफ की लिमिट यही रहेंगी, लेकिन ग्राफ का नेचर बदल जाएगा। ग्राफ किसका आ रहा है अभी, साइन का बन रहा है कि कॉस का बन रहा? देखो अभी ग्राफ, अब ये साइन का फंक्शन लेकिन उल्टा चलेगा, साइन का फंक्शन यहाँ पे उल्टा चलेगा, मतलब ये ऐसा आएगा। और जो एक्सीलरेशन का ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट चलेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट मतलब माइनस कॉस वन, ठीक है। देखो जरा अभी इसको, यहाँ पे कोई चेंज आएगा क्या इस पे? वो जो बीच में स्टेटमेंट लिखे इस पे कोई चेंज है क्या? ये जो इक्वेशन लिखे इस पे कोई चेंज है क्या? हेलो, अरे उस पे कोई चेंज है क्या? हाँ है, ये वाले ग्राफ इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना, तो क्या करोगे यहां से यहां पे? हेलो, ये देखिए यहां से स्टार्ट है और ये यहां से, मतलब ये ऑलरेडी पहले ही आगे है, ये जब ये यहां पर पहुंच रहा है उसके पहले ये कहानी है। या फिर तुम इसको ऐसा समझ ले कि ये वाला जो पोर्शन इसका ये पहले ही आ गया था, ठीक है। हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? ये सामने कितनी करेंगे? हाँ, सामने शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये कॉस का फंक्शन है तुम्हारा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे अपोजिट कर देंगे ना अपन, एक्स लीड्स भी आ जाएगा। ये जहां पे एक्स था यहाँ पे ए, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स, नहीं ये तो बराबर ही रहेगा, ये तो हमेशा अपोजिट ही बनेंगे ना, ये ए लीड्स एक्स आएगा क्या? हेलो सर, ये बराबर है ना, और इस पे इसपे देखो फिर भी, और इस पे ए पे ये भी और ये ए है, इतने का डिफरेंस आ रहा है, हाँ या ना? ये यहाँ पे तब ये यहाँ पे, ये जब यहाँ पे पहुंच रहा है तब ये पहले ही है, तो इसमें भी आगे चल रहा है, भी लीड ए बाय कितने से आगे चल रहा है, ये टी वाई फोर से, बराबर है। हेलो, अभी समझ गए? हेलो, समझ गए क्या बेटा? सर जो पहला वाला है वहां पे थ्री टी बाई फोर से लीड होगा ना, पहला वाला? हाँ सर, एक मिनट चेक करने दे, लेट मी चेक। नहीं नहीं उतने ही से आएगा, टी वाई फोर से ही आएगा ना। बट सर अपन पीछे का नहीं लेते ना, अगर सामने से कंपेयर किया है तो थ्री बाई टू तक आ रहा है ना। नहीं ना, टी वाई फोर ही तो दिख रहा है, उतना ही तो डिफरेंस दिख रहा है ना टी वाई फोर का। देख एक्स और वी में हमेशा टी वाई फोर का डिफरेंस रहेगा, चाहे तुम साइन का फंक्शन लिखो चाहे कॉस का लिखो, इससे ज्यादा का नहीं आएगा, ठीक है। और x और a में हमेशा डिफरेंस पाई का रहेगा या t by 2 का डिफरेंस रहेगा, आगे पीछे तुमको साइन और कॉस के हिसाब से करना पड़ता है बस, ठीक है, समझ गया? हेलो सर, v और a के बारे में कुछ नहीं रहते क्या? किसमें किसमें? v और a थर्ड वाले में, v और a में, v और a में एक्चुअल में कंडीशन दिख रही ना यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग। एक चीज फिक्स है कि साइन और कॉस में हमेशा पाई बाई टू का डिफरेंस बनेगा, हाँ? साइन और कॉस में पाई बाई टू का, अब एक प्लस साइन और एक माइनस साइन है तो कितने का डिफरेंस है? पाई का डिफरेंस है, इसलिए एक्स और ए में हमेशा डिफरेंस पाई का रहेगा या टी बाई टू का रहेगा, ठीक है। और एक्स और वी में हमेशा कितने का रहेगा डिफरेंस? पाई बाई टू का या टी बाई फोर का रहेगा, ठीक है। और वी और ए में भी इतने का बनेगा ऐसा, क्लियर हो गया? समझ गए? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो।